नमस्कार विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं जो हमारा ग्रंथ है वेदांत सार, और जिस ग्रंथ की रचना किसने की है, हमारे जो कवि हैं सदानंद योगेंद्र, और जो सदानंद योगेंद्र हैं उन्होंने हमारे इस ग्रंथ की रचना की है। तो इसमें एक अनुबंध क्या होते हैं, यह एक प्रमुख तथ्य है, अर्थात प्रमुख बिंदु है कि अनुबंध। अब देखिए, शास्त्रकारों ने कहा है कि प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयत्वम, प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान देखिए क्या बताया कि प्रवृत्ति कहते हैं किसी कार्य में लगना। मान लीजिए कोई व्यक्ति खेत जोतने जाने वाला है, तो उस खेत जोतने जाने के लिए जो उसकी इच्छा है, जो जिज्ञासा है, वही क्या होती है, प्रवृत्ति होती है। तो प्रवृत्ति कहते हैं किसी कार्य में लगना। और फिर क्या कहा है कि प्रवृत्ति प्रयोजक, प्रयोजक प्रयोजक कहते हैं जो प्रेरित करता है। जैसे राम श्याम से कहता है कि तुम पढ़ लो, तो राम प्रयोजक हो गया और श्याम प्रेरित हो गया। तो प्रवृत्ति कहते हैं किसी कार्य को। तो प्रवृत्ति प्रयोजक यानी किसी प्रवृत्ति में, जैसे यहाँ पर जो हम लेंगे, हमारा ग्रंथ है कौन सा ग्रंथ है, वेदांत सार। तो वेदांत सार में जो प्रवृत्ति होगी, वेदांत सार को हम जो पढ़ेंगे, तो उसके लिए सबसे जो महत्वपूर्ण है वह कौन से हैं, अनुबंध चतुष्टय। तो क्या कहा, अनुबंध किसको कहेंगे कि प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयत्व, यानी किसी कार्य में अगर कोई व्यक्ति लगता है तो प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयत्वम, यानी किसी कार्य में किसी के लगने के लिए जो ज्ञान का विषय होता है वह क्या कहलाता है, अनुबंध कहलाता है। क्या कहा, प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयत्वम अनुबंधत्वम, यानी किसी कार्य में जो प्रवृत्ति होती है और उसका जो प्रयोजक होता है और उसका जो ज्ञान का विषय होता है, उसी को क्या कहते हैं, हम अनुबंध कहते हैं। अर्थात जिसके द्वारा या जिनके द्वारा किसी कार्य में लगा जाए वह क्या कहलाता है, अनुबंध कहलाता है। तो देखिए वाचस्पति ने भी कहा है देखिए इन्होंने क्या कहा है देखिए क्या कहा गया है कि ज्ञातार्थम ज्ञात संबंधम श्रोतुम श्रोता प्रवर्तते ग्रंथादौ तेन वक्तव्य संबंधः स प्रयोजनः। कि ज्ञातार्थम, जो ज्ञात अर्थ होता है, ज्ञात संबंधम, जो ज्ञात संबंध होता है, श्रोतुम श्रोता प्रवर्तते, सुनने के लिए जो श्रोता है वह प्रवर्त होता है, ग्रंथ आदौ ग्रंथ के प्रारंभ में, तेन वक्तव्य उसके द्वारा कह देना चाहिए, संबंधः स प्रयोजनः, यानी जो संबंध होता है उसको प्रयोजन के साथ कह देना चाहिए। ये किसने कही, वाचस्पति ने कहा था। अब बात आती है कि जो योगींद्र हैं उन्होंने कहा है, देखिए जो सूत्र है पहला ही, और वो सूत्र क्या दिया उन्होंने, देखिए
के अनुबंध तत्र अनुबंधो नाम, तत्र अनुबंधो नाम अधिकारी विषय ये है विद्यार्थियों कि तत्र माने वहाँ पर, कहाँ पर, वेदांतों में। वेदांत से तात्पर्य क्या होता है, उपनिषद होता है। तत्र का तात्पर्य क्या है, वहाँ पर। अब आपसे कोई पूछे कि वहाँ पर से तात्पर्य क्या है, तो आप बताएंगे वहाँ पर से तात्पर्य है जो वेदांत हैं, अर्थात जो उपनिषद हैं वहाँ पर। अनुबंधु नाम, अनुबंध कौन से होते हैं, अधिकारी विषय संबंध और प्रयोजनम। क्या क्या होते हैं, एक तो होता है अधिकारी, दूसरा होता है विषय, तीसरा होता है संबंध और चौथा होता है प्रयोजन। ठीक है, क्या बताया, अधिकारी विषय संबंध और प्रयोजन। ये जो चार हैं, ये चार क्या कहलाते हैं, ये चार कहलाते हैं आपके प्रयोजन, सॉरी अनुबंध। तो अधिकारी, अधिकारी तात्पर्य होता है कि इस ग्रंथ को पढ़ने का कौन अधिकारी है। विषय, इसका विषय क्या है, इसमें किस चीज़ का वर्णन है। और संबंध, संबंध होता है कि इस विषय का इस ग्रंथ से क्या संबंध है। और प्रयोजन, प्रयोजन कहते हैं उद्देश्य क्या है इसका। और कहते हैं कि प्रयोजनम, देखिए क्या कहा गया है कि प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदो अपि न प्रवर्तते। क्या कहते हैं कि प्रयोजनम अनुद्देश्य, यानी प्रयोजन को बिना देखे, मंदो अपि न प्रवर्तते। अगर मंद व्यक्ति होता है, मंद बुद्धि अगर कोई व्यक्ति हो और उसको अगर प्रयोजन का नहीं पता हो, तो वह व्यक्ति भी क्या है, किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता है। तो इसलिए कहा गया है कि प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदो अपि न प्रवर्तते। तो आज का जो लेक्चर है विद्यार्थियों, यहीं पर समाप्त होता है। हम आगे आने वाले लेक्चर में अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन, इनको अलग अलग पढ़ेंगे। कोई लेक्चर बड़ा हो सकता है, कोई छोटा हो सकता है, संक्षिप्त रूप में लेक्चर प्रस्तुत कर रहा हूँ। और कोई भी आपको अगर समस्या होती है संस्कृत भाषा में जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेज दें, मैं आपके लिए उसका समाधान प्रस्तुत करूँगा। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।